Japan, Brazil, Brazil, Canada, Canada. Pili, Pili, Pimpini, Pili, Pimpini. दोस्तों इनके जितना अच्छा तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना पूरा दम लगा के बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर शार्पनर पे ये लाइंस क्यों होती हैं और बॉक्सर्स बॉक्सिंग करने के बाद बर्फ के पानी में क्यों नहाते हैं और ये बुजुर्ग आदमी मंदिरों से दूध चुरा कर क्यों बांटता है। तो दोस्तों इसीलिए इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आप बने रहना इस वीडियो के एंड तक। नंबर फर्स्ट, आखिर बॉक्सर्स जो होते हैं वो बॉक्सिंग करने के बाद आइस बाथ क्यों करते हैं, मतलब कि बर्फ के पानी में क्यों नहाते हैं। मैं बता उनको बहुत ही मजा आता है, इसीलिए वो बर्फ के पानी में नहाते हैं। अरे नहीं भाई, असल में बॉक्सिंग करने से शरीर में बहुत सी जगह चोट लग जाती है और पूरा शरीर थक जाता है, और आइस जो है वो दोस्तों एक हीलिंग मेडिसिन की तरह काम करता है। इसीलिए बॉक्सर्स फाइटिंग करने के बाद बर्फ में नहाते हैं, जिससे उनकी स्वेलिंग ठीक होती है, पेन कम होता है और मसल्स की रिकवरी होती है। नंबर सेकंड, दोस्तों जापान की जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं वो इतना तेज चलते हुए भी इतना शांत तरीके से चलती हैं कि दोस्तों आप एक क्वाइन को ऐसे रख दोगे तब भी वो क्वाइन नहीं गिरेगा, मतलब कि दोस्तों गजब ही है। नंबर थ्री, दोस्तों अगर आपके चार्जर का केबल यहाँ से टूट जाता है तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको ऐसे धागा से लपेट दीजिए और फिर उसके बाद ग्लू चिपका दीजिए और उसके बाद दोस्तों आपका काम हो जाएगा, मतलब कि दोस्तों आपका केबल एकदम मस्त हो जाएगा और आपके मुँह से बस यही निकलेगा। नंबर फोर, आखिर मंदिरों से दूध चुरा कर क्यों बांटता है ये बुजुर्ग आदमी। दोस्तों आपने कई सारे मंदिरों में भगवान शिव जी पर लोगों को दूध चढ़ाते हुए देखे होंगे, जो कि कोई गलत बात नहीं है, लोगों की आस्था है तो पूजा करते हैं। बट दोस्तों सोचिए, अगर वही दूध गरीबों में बांट दिया जाए तो शायद भगवान भी उससे ज्यादा खुश होंगे, पर दोस्तों लोग इस बात को सिर्फ सोच कर रह जाते हैं। बट गुजरात के जूनागढ़ में एक ऐसे शख्स है जो इस काम को एक्चुअल में करते हैं। दरअसल दोस्तों ये बुजुर्ग हर रोज मंदिरों में जाते हैं और भगवान शिव जी पर चढ़ाए दूध को उठाकर लाते हैं, उसे उबालते हैं और उसमें चीनी मिलाकर गरीबों में बांट देते हैं। और दोस्तों ये काम ये 2013 से कंटिन्यूअस कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन्होंने अपना नाम आज तक रिवील नहीं किया है और अगर कोई पूछता है तो जवाब देते हैं कि मैं एक भारतीय हूँ और कुछ नहीं। दोस्तों ऐसे सोच रखने वाले एक आदमी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। बात तो सही है। नंबर फाइव, दोस्तों आपके पास किस चीज की निगाह है? चील की निगाह मेरी। अरे कहने को नहीं, अगर एक्चुअल में आपके पास चील की निगाह होती तब आप एक 10 मंजिला बिल्डिंग के छत पर से भी जमीन पर चल रही चींटी को आराम से देख पाते। नंबर सिक्स, आखिर शार्पनर पर ये लाइंस क्यों होती हैं? तो दोस्तों दरअसल हम जब भी पेंसिल को शार्प करते हैं तो उस समय उसकी नीब काफी ज्यादा पॉइंटेड हो जाती है और लिखते समय वही नीब बार बार टूटती रहती है, तो दोस्तों उसी नीब को परफेक्ट शेप देने के लिए शार्पनर में ये लाइंस बनाई जाती है।